सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने के विषय में एक पत्र आज जारी हुआ है शिक्षा निदेशक वैश्विक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा। संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना है और सभी देश के समस्त स्कूलों में सभी वर्गों और सभी आयु समूहों हेतु एकता दौड़ का आयोजन किया जाए, ऐसा कहा गया है। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार दूरी अधिक या कम कर सकते हैं। यह दौड़ विद्यालय में 31 अक्टूबर 2022 को सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच आयोजित की जाए। संभव हो तो दौड़ के प्रारंभ या अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक विद्यार्थी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनकी भूमिका, उनके योगदान के बारे में बताया जाए। एकता दौड़ के आयोजन का विद्यालय पत्रिका वेबसाइट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। सीमांत क्षेत्रों दिव्यांग बच्चों सहित बच्चों स्ट्रीट चिल्ड्रन के दौड़ में शामिल होने हेतु विशेष प्रयास किया जाए। आयोजन के फोटोग्राफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन फॉर यूनिटी पर अपलोड किए जाएं और संभव हो तो विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी दौड़ में सम्मिलित किया जाए। सरदार पटेल को समर्पित प्रार्थना सभाओं का आयोजन कराया जाए। विद्यालय में सरदार पटेल के योगदान एवं जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। प्रदर्शनी के लिए बनाए गए विषय वस्तु कंटेंट का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कराकर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं विद्यालय की वेबसाइट पर साझा किया जाए। उपरोक्त कार्यक्रम में आपसे अपेक्षा है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2022 में दिए गए निर्देशों के क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने हेतु जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन कराए जाने के साथ ही विकास खंड स्तर एवं जनपद स्तर पर बृहद रूप से ये कार्यक्रम कराए जाएं तथा आयोजित कार्यक्रमों से संबंधित आख्यान निर्धारित गूगल शीट के लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें।